हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन सेज पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, एंड दिस इज बिकॉज सो देर आर फोर ऑप्शंस। ए इट्स एम्ब्रियोज इमैच्योर, बी इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, सी इट हैज वेरी हार्ड सीड कोट, एंड डी इट्स सीड्स कंटेन इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज आर जिम्नोस्पर्म। सो एज द नेम सजेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो हमारा है इट्स अ ग्रीक वर्ड, एंड इसका अगर हम मतलब निकाले तो इसका मतलब क्या होता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है दोज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर हैविंग एक्सपोज सीड और नेकेड सीड्स। इनके जो सीड्स होंगे दैट विल बी नेकेड, जबकि जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं प्लांट किंगडम्स में, वो आपके सीड्स में नेकेड नहीं होते। द सीड्स आर नॉट नेकेड इन योर एंजियोस्पर्म्स, उनमें सीड कवर्ड होगा। ऑलराइट, अब जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, तो फीचर्स में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले दे आर हेट्रोस्पोरस, दैट मीन्स इनमें जो आपके गैमेट गैमेट्स बनते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर हैविंग योर वेस्कुलर सिस्टम दैट इज जाइलम फ्लोएम इनके अंदर होता है, एंड इनकी अगर साइज की बात करें तो इनमें टॉल ट्रीज आएंगे आपके। ऑलराइट, देन आपका श्रब्स आता है इसमें, और मीडियम साइज ट्रीज भी आते हैं, और वन ऑफ द टोलेस्ट स्पीशीज दैट इज योर सिक्वा इज वन एग्जाम्पल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जो आपका सिकोया है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। इट्स अ रेडवुड ट्री सिकोया। देन आफ्टर दैट आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका लीव्स होती हैं वो आपकी सिंपल भी हो सकती हैं एंड कंपाउंड भी हो सकती हैं। थिक क्यूटिकल होता है इनके अंदर और हार्श कंडीशंस में दे कैन सर्वाइव। देन अगर मैं बात करूँ रूट सिस्टम की, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो यहाँ पे जो रूट्स होंगी दैट इज स्टेप रूट्स, और यहाँ पे एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है रूट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइकस की बात करूँ तो साइकस के अंदर जो आपकी कोरेलोइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, कोरेलोइड कोरेलोइड रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रूट्स होंगे दिस विल बी इन एसोसिएशन विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो हियर इन जिम्नोस्पर्म्स द रूट्स आर हैविंग एसोसिएशन, दे आर हैविंग द रिलेशनशिप्स विद अदर जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके पाइनस की, सो पाइनस में क्या होता है, जो रूट्स हैं दे आर इन एसोसिएशन विद द फंगस, फंगस के साथ वो एसोसिएशन शो करती है, एंड दे फॉर्म द व्हाट माइकोराइजा। फाइनस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, और इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो आपका फंगस वगैरह होता है वो पाइनस को हेल्प करता है, एंड जो पाइनस होता है वो फंगस को हेल्प करता है। पाइनस शेल्टर प्रोवाइड करते हैं टू द फंगस, फंगस हेल्प करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वगैरह में। सो वी कैन सी दैट कि जो पाइनस के जो सीड्स होते हैं दे आर हैविंग द डिपेंडेंसी ऑन द फंगस, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट विदाउट फंगस। तो पाइनस शोज द ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, और आई कैन सी डिपेंडेंसी विद फंगस। दैट मीन्स कि पाइनस के लिए फंगस के साथ एसोसिएट होना कंपल्सरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन ए कहता है इट हैज एम्ब्रियो दैट इज इमेच्योर, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बी इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा, दैट इज ट्रू। ऑलराइट, सी ऑप्शन भी चलिए पढ़ लेते हैं, इट हैज अ वेरी हार्ड सीड कोट, ये भी गलत है, और डी इट सीड कंटेन इनहिबिटर्स, तो ये भी गलत है, ऐसा कोई इनहिबिटर्स वगैरह नहीं होता जो जर्मिनेशन को प्रिवेंट करे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज आर बी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू।